नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एमपीपीएससी विद के। आज है 8 नवंबर 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर और साथ ही साथ कुछ करंट अफेयर यहां पर 7 नवंबर का भी होने वाला है, क्योंकि संडे को हमारी वीडियो आती नहीं और जो कुछ थोड़ा बहुत करंट अफेयर होता है तो उसे आज यानी कि 8 नवंबर के इस करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट बेल आइकन, एमएस और न्यू अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। देयर आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डू टू पे एनी टाइप्स ऑफ फीस फॉर दिस पीडीएफ। दोस्तों पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और केवल आज की ही नहीं, आपको लगभग 2 साल का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर डे बाई डे के हिसाब से मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट उन सभी की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। तो आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर में क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप यहां पर देख रहे होंगे ग्रीन बसेस, तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से शहरों में ग्रीन बसेस शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे मध्य प्रदेश के किस शहर को देश का पहला वाटर प्लस शहर होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, वाटर प्लस शहर, तो इसको हम आज के इस करंट अफेयर में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस शहर को देश का पहला वाटर प्लस शहर होने का गौरव प्राप्त हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है इंदौर, जबलपुर, रतलाम या फिर ग्वालियर। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 इंदौर, क्योंकि लगातार जब भी राष्ट्रीय लेवल पर कोई बात आती है तो मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर इंदौर जो कि मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है। लगातार 4 बार स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पर रहा, स्मार्ट सिटी में नंबर 1 इंदौर दोस्तों। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे लिविंग इंडेक्स में 9वें नंबर की सिटी इंदौर। लाइट हाउस परियोजना के अंतर्गत देश से 4 शहर चुने गए जिनमें से मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर इंदौर। तो यही सब कुछ इंपॉर्टेंट खासियत होने के कारण इंदौर को कहा जाता है मध्य प्रदेश का क्या दोस्तों? मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक राजधानी और मिनी बंबई भी इंदौर शहर को कहा जाता है। जबलपुर में क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश की कल्चरल कैपिटल इसे कहा जाता है, सांस्कृतिक राजधानी। रतलाम में है अंगूर अनुसंधान केंद्र। ग्वालियर के किलों को किलों का रत्न कहा जाता है, जिब्राल्टर कहा जाता है, तो इसको भी याद रखना है। ग्वालियर काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, ग्वाला वाली पहाड़ियों के कारण इसका नाम ग्वालियर पड़ा था, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। चर्चा हुई है वाटर की, तो वाटर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देना चाहूंगा। यह रहा आपका मध्य प्रदेश का मैप। ये देखिए, सॉरी दोस्तों, ये उतना ठीक नहीं बना है, इसे हम नए सिरे से तैयार करते हैं, तो समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। ये देखिए, तो ये जो उत्तरी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का दोस्तों, यह सबसे अधिक नहरों के माध्यम से सिंचित है, आपको याद रखना है। और यह सबसे मध्य प्रदेश का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है जल के हिसाब से, और इस क्षेत्र का सबसे अधिक सिंचित जिला कौन सा है? ग्वालियर। तो इसको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे कुओं और नलकूप के माध्यम से सिंचित जो पश्चिमी क्षेत्र है इंदौर, और ये पूरा का पूरा मंदसौर, ये पूरा का पूरा जो रीजन है इंदौर, मंदसौर, उज्जैन, तो यह जो पश्चिमी क्षेत्र है यह सर्वाधिक किससे सिंचित है? कुओं एवं नलकूप के माध्यम से। और कुओं के माध्यम से सबसे अधिक सिंचित जिला कौन सा है दोस्तों? मंदसौर। इसको याद कर लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। किससे सबसे अधिक सिंचित है? मंदसौर, कुओं से सबसे अधिक सिंचित। और पूर्वी क्षेत्र आप देखेंगे दोस्तों, यह सबसे अधिक किससे सिंचित है? तालाब से। और इस पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत तालाब से सबसे अधिक सिंचित जिला कौन सा है दोस्तों? तो सबसे अधिक सिंचित जिला है बालाघाट। याद रखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेट आई टेल यू हियर। तो बालाघाट इसके अंतर्गत आता है। सबसे अधिक सिंचित किससे सिंचित होता है दोस्तों? यह तालाब से सबसे अधिक सिंचित अगर कोई जिला है तो वह है आपका बालाघाट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारत सरकार से इंदौर को देश का पहला वाटर प्लस शहर होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इंदौर शहर ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में भी लगातार 4थी बार देश में स्वच्छ शहर होने की स्थापना की, देश में प्रदेश का नाम रोशन किया। इसी तरह दोस्तों भोपाल जो है वह दोस्तों देश की सबसे स्वच्छतम स्वयं वाहिनी, जिसे हम लोग कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की राजधानी बना है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत दोस्तों इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेक्स्ट 2020 में कुल 20 अवार्ड श्रेणियों में से दोस्तों 11 मध्य प्रदेश को मिले। तो आप समझ सकते हैं स्मार्ट सिटी के जो 20 अवार्ड थे उसमें से 11 अवार्ड किसे मिले? मध्य प्रदेश को ही मिल गए। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यह अवार्ड इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और सागर शहर को उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए मिला है। और तो और स्मार्ट सिटी मिशन में भी भारत सरकार द्वारा चुने गए 100 शहरों की रैंकिंग में भोपाल प्रथम तथा इंदौर तृतीय स्थान पर रहा। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2 प्रकार की रैंकिंग आई थी, इनको मैं आपको यहां पर आपको क्लियर करना चाहूंगा। यह जो भारत सरकार द्वारा चुने गए 100 शहरों की रैंकिंग में
में भोपाल प्रथम तथा इंदौर तृतीय स्थान पर रहा था, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और एक जो रैंकिंग अलग से बनाई गई थी उसमें इंदौर प्रथम पर था, तो उसको भी याद रखना है दोस्तों। दोनों में कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है भारत सरकार के द्वारा चुने गए 100 शहरों की रैंकिंग में कौन सा शहर प्रथम था, तो भोपाल था और इंदौर तृतीय स्थान पर था। और स्मार्ट सिटी जो स्पेशल अलग से रैंकिंग बनाई गई थी जिसमें राज्यों को पूरा का पूरा कैटेगराइज किया गया था, उसके अंतर्गत प्रथम नंबर पर हमारा इंदौर था। और उसके बाद में जो राज्यों में देखा जाएगा तो यूपी उसमें दोस्तों नंबर वन पर था और मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर था। तो इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। करीब 12,500 करोड़ रुपए की लागत की पेयजल की कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, तो 12,500 करोड़ रुपए की लागत की कितनी पेयजल की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, 442, 300, 200 या फिर 100 परियोजनाएं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 442 परियोजनाएं दोस्तों करीब 12,500 करोड़ रुपए की लागत की हैं जिन्हें स्वीकृत किया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। विगत 15 वर्षों में जल प्रदाय एवं सीवरेज परियोजनाओं के कार्य। राज्य सरकार द्वारा पिछले 15 वर्षों में नगरों में जल प्रदाय एवं सीवरेज सिस्टम को सुधारने के लिए अनेक कार्य किए गए हैं। इस अवधि में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा 378 निकायों में करीब 12,500 करोड़ रुपए की लागत की पेयजल की 442 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 272 परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं और शेष 170 परियोजनाएं प्रगतिरत हैं। तो यह आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदेश के किन शहरों में स्टार्टअप्स इक्यूबेशन केंद्र की स्थापना की जाएगी, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यह एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसके अंतर्गत स्टार्टअप इक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना की जा रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है उपरोक्त सभी, अर्थात तीनों शहरों में दोस्तों एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं स्टार्टअप इक्यूबेशन केंद्र, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। प्रदेश के कौन से शहरों में, इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन, फिर मैं इसको पूरा कंप्लीट करके आपको समझा दूंगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रदेश के कौन से शहरों में वैज्ञानिक लैंडफिल साइट की स्थापना की जाएगी, तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक लैंडफिल साइट की स्थापना कहां पर की जा रही है, रीवा में, सागर में, दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है दोनों, अर्थात रीवा में और सागर में दोनों जगहों पर वैज्ञानिक लैंडफिल साइट्स की स्थापना की जा रही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आधारित इंट्रासिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भोपाल, इंदौर, जबलपुर में कितनी नई बसें स्वीकृत की गई हैं, तो तीनों शहरों में कितनी नई बसें स्वीकृत की गई हैं, किसके अंतर्गत, बस इंट्रासिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 900 बसें, 300 बसें, 200 बसें या फिर 100 बसें। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 900 बसें स्वीकृत की गई हैं दोस्तों, किसके आधार पर, तो यह आपको देखना है इंट्रासिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के आधार पर। तो देखते हैं स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत युवाओं में उद्यमिता के विकास के लिए प्रदेश में इंदौर, ग्वालियर तथा उज्जैन में स्टार्टअप्स इंक्यूबेशन केंद्र की स्थापना की गई। तो मैंने आपको बताया यह किससे संबंधित है, युवाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिए, किसके लिए, उद्यमिता। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा दोस्तों, इस तरीके के इंक्यूबेशन सेंटर खोले जाएंगे जहां पर स्टार्टअप्स का माइंडसेट बनाया जाएगा और स्टार्टअप्स से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, दीज ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन दीज टाइप्स ऑफ स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर। हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप, हाउ टू ग्रो स्टार्टअप, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ दिस स्टार्टअप, सो दीज ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर स्पेशली। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 300 से अधिक शहरों में 70% स्रोतों पर पृथकीकरण परिवहन एवं प्रसंस्करण तथा 75% तक ठोस अपशिष्ट का पुनःचक्रण कार्यशील किया जा रहा है, जिसमें से दो शहर रीवा एवं सागर में वैज्ञानिक लैंडफिल साइट की स्थापना की जा रही है। दोस्तों यह जो वैज्ञानिक लैंडफिल साइट्स है यह क्या है, जो स्पेशली जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है जिसके अंतर्गत जो कचड़े का निस्तारण किया जाता है, गार्बेज का पूरा का पूरा निस्तारण किया जाता है, वह इन्हीं दोनों के अंतर्गत आता है। बस आधारित इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर में 900 नई बसें शुरुआत की गई हैं। भोपाल में 50 बस संचालन प्रारंभ हो चुका है। स्पेशली यह बसें दोस्तों ग्रीन बसें हैं, जो कि मैंने पिछले करंट अफेयर्स में आप लोगों को काफ़ी गहराई से इसके बारे में बताया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने किया एम्स में ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट का उद्घाटन, आपका ऑप्शन नंबर 1 है मंत्री सारंग, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मंत्री विश्वास सारंग, यह कौन है, स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री है और इनके द्वारा जो फीवर क्लिनिक का कॉन्सेप्ट है वह इन्हीं के द्वारा लाया गया था और मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में लगभग 51 जिलों में जो फीवर क्लिनिक सेंटर है वह स्टेब्लिश किए जा चुके हैं। दोस्तों चर्चा हुई है काफ़ी दिनों बाद ऑक्सीजन और इस तरीके की चीज़ों की, तो आपको बताना चाहूँगा मात्र 3 दिन में ऑक्सीजन संयंत्र बनाया गया था। मध्य प्रदेश के एकमात्र शहर कौन
कौन सा, रीवा में, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद आप देखेंगे ऑक्सीजन का पूरा जो हब तैयार किया जा रहा है वह होशंगाबाद के बाबई शहर में किया जा रहा है, और यहाँ पर डॉक्टरी इंस्ट्रूमेंट भी बनाए जाएंगे, जितने भी जो डॉक्टर्स के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वह यहाँ पर बनाए जाएंगे, और ड्रग सेंटर भी वहाँ पर बनाया जाएगा। कहाँ पर? बाबई होशंगाबाद में यह पूरा का पूरा कार्य किया जाएगा। तो दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट डेट वी शुड रिमेंबर। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश का, दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए सबसे बड़ा अस्थायी अस्पताल कहां पर बनाया गया था, 6000 बेड की व्यवस्था थी, इंदौर में बनाया गया था, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों डायरेक्ट ऑक्सीजन बेड पर पहुंचने की व्यवस्था किस अस्पताल में की गई थी, बीना अस्पताल में की गई थी, जो कि सागर जिले के अंतर्गत पड़ता है। तो चलिए आगे देखते हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सारंग ने एम्स में किया ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का उद्घाटन। 1000 लीटर प्रति क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट में से 300 बेड होंगे लाभान्वित, यह ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, टॉय फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। टॉय फेस्टिवल से मेरा यहां पर तात्पर्य है खिलौना उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जा रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर एक है बुधनी में, सागर में, सतना में, या फिर जबलपुर में। तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था बुधनी में, दोस्तों जो स्पेशली सेंटर भी यहां पर ओपन किया जा रहा है बुधनी के, दोस्तों जो लकड़ी के खिलौने हैं वह सबसे अधिक फेमस हैं, इनको आपको याद रखना है। और चमड़े, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा चमड़े के खिलौने का GI टैग किसे दिया गया है, इंदौर को चमड़े के खिलौना का GI टैग दिया गया है। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखते हैं क्या है पूरी न्यूज, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी टाई फेस्टिवल में शामिल, बुधनी लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको भी याद रखना है। आज का आपका क्वेश्चन, श्री महाकाल महाराज मंदिर परिसर विस्तार योजना कुल कितने करोड़ रुपए की, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अंकुर अभियान में पंजीयन किस ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।